कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर मरीजों की बढ़ती संख्या तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दिनारा थाना प्रभारी संतोष भार्गव ने अपने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकालकर सभी दुकानदारों को समझाइश दी कि सभी लोग मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें और जो मास्क लगाए नहीं दिखें उनके मौके पर ही चालानी कार्रवाई की गई। इसमें कई दुकानदारों के चालान किए गए। थाना प्रभारी संतोष भार्गव ने बताया कि अब रात में 11 बजे और से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जिसमें आप बिना वजह बाहर ना निकलें। फ्लैग मार्च में दिनारा थाना प्रभारी संतोष भार्गव के साथ धनरा चौकी प्रभारी सतीश जैन, संजय भगत और समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद था। आज से 20 दिन पहले मेरे द्वारा फ्लैग मार्च या रोको टोको एक रखा गया था, जिसमें हमने पूरे दिनारा में घूम करके सबको हिदायत दी थी। कोरोना वापस फैल रहा है तो आप लोग सब जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा के रखें। आज उसी तारतम्य में हम लोग जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन लोगों का चालान कर रहे हैं और उसके बाद भी उनको हिदायत दे रहे हैं कि अब कोरोना फिर वापस आने की स्थिति में है। लॉकडाउन भी रात में चालू हो गया है। अभी जो नई गाइडलाइन आई है उसमें रात में 11 से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन हो गया है। तो हम वो भी उनको बता रहे हैं कि रात में फालतू बाहर नहीं घूमना है, सबको घर में रहना है और मास्क लगा के रखना है। सर जो 11 कैसे आप जमीन पर उतारेंगे? देखिए, शासन के द्वारा जो गाइडलाइन आएगी उसका हम स्वयं पालन करेंगे और दिनारा की जनता को उसका पालन करवाएंगे।